बहुत ही सत्कारयोग दोस्तों फतेह अर्ज करदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारयां नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। अज मैं हुशियारपुर दे विच इत्थे केजरीवाल साहब ते भगवंत मान साहब आए हुए आ ते इत्थे अज सवेर तों मैनूं बहुत सारे मीडिया दे ते दोस्तां मित्रां दे फोन आ रहे आ कि मीडिया दे विच अज बहुत वड्डी पद्धर ते खबर चल रही है बठिंडे दी कि बठिंडे के पांच चेयरमैन है तो उन्होंने एस एस पी साहब नाल मुलाकात की है कि जो ट्रैफिक के मुलाजम है बठिंडे शहर के भी वो सानू रिस्पैक्ट नहीं देंगे जो लंघते हैं सानू सलूट नहीं मारते। तो जो मेरे को गल आई क्योंकि मैं भी उत्थे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बठिंडे का चेयरमैन है तो मैं भी बड़ी हैरानी हुई तो मैं तो गया नहीं सी पर मैनू ये गल चंगी नहीं लगी तो मैं मेरे होर जो साथी चेयरमैन साहबान ने जिदा साहब उन्होंने गल की भी जिदा साहब कोई यह जी गलबात है उत्थे साडे शुगर फैड के चेयरमैन है वह कहिंदे नहीं मैं भी नहीं गया। पुरी साहब है जंगलात महकमे उन्होंने गल की कहिंदे ना भी मैं भी नहीं गया। अग्रवाल साहब ने गल की कहिंदे नहीं गया। नील जी ने गल की कहिंदे नहीं गया। फिर मैं एस एस पी साहब ने गल की खुराना साहब नाल मेरे बहुत सत्कारयोग है साडा बहुत आपसी अंडरसटैंडिंग है बहुत प्यार सत्कार देंदे ने उन्होंने ना गल की मैं कहा सर जी मीडिया से गल चल रही है कोई यह जी गलबात हुई कहते ना कहते कोई गल नहीं यह जी कोई मैं चेयरमैन नहीं मिले। फिर मैं उस तो बाद अमरीक सिंह ने जिन्हें भी जी आडियो जी वो अगे ट्रैफिक कर्मचारियों संदेश देंगे ने सरदार अमरीक सिंह उन्होंने गल की उन्होंने नंबर 95012-28200 हमने गल करके हटे। मैं क्या सरदार अमरीक सिंह जी भी जी चल रही है मीडिया के गलबात भी की थोनू एस एस पी साहब ने कहा सी कहते जी नहीं कहा तो फिर तुम सोचो भी यह कि वड्डा सारा पता नहीं क्यों होया कि कहने होया कि कारण ने तो किड्डी वड्डी पद्धर से गल सारे पंजाब फैली भी है तो लोग इस गल मैं भी कहना मंदभागा क्योंकि पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बना के सलूट भगवंत सिंह मान केजरीवाल साहब मारता सानू किसी तरह के किसी सलूटा की लड़ नहीं असी नहीं मंग के सत्कार लिया तो की लिया जे असी किसी अफसर तो कह के सत्कार लेने हैं कह के सलूट मरवाने हैं कह के उन्हों जी गड्डी लंघाने तो कहदी लीडरी है। इस करके असी इस गल की प्रयोग शब्द की निंदा करते हैं भी ये जी खबर गलत फैली है ये नहीं फैलनी चाहिए सी और नाल दी नाल गल असी सारे अधिकारियों का चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी है चाहे कोई पुलिस का अधिकारी है असी उहदा पूरा मान सन्मान करते हैं। मैं आपकी दावे देना गरंटी लै सकते हैं चाहे कोई होमगार्ड का भी जवान है ना तुम मेरे बारे पता कर लियो असी उन्होंने पूरा मान सम्मान दें ट्रैफिकों को पूरा मान सम्मान दें कदे असी हूटर नहीं मारिया। दूजी वड्डी गल मैं ये भी कहना चाहुंदा भी साडा दसो आम आदमी पार्टी का कोई लीडर बठिंडे दे विच अख पाया रड़कदा कोई किसी नाल धक्केशाही करदा कोई किसी नूं मंदा बोलदा नहीं मंदा बोलदा तो जे इन्ने चेयरमैन तो यह जी सरकार अकालिया कांग्रेस की हुंदी तो उन्होंने कोहराम मचा देना सी कोहराम। सो इस करके असी निम्रता वाले बंदे हैं अमन वाले बंदे हैं शांति वाले बंदे हैं और सरदार भगवंत सिंह जी मान सूबे के मुख्यमंत्री साहब सानू सख्त हदायतां ने कि तुसी सारे कर्मचारियों के नाल दर्जा बदर्जा कर्मचारियों के नाल लियाकत के नाल पेश होना क्योंकि वह भी साडे परिवार का साडे पंजाब का एक अंग ने। सो इस करके मैं ये गल पूरी जिम्मेवारी दे नाल स्पष्ट करनी चाहुंदा कि बठिंडा का कोई भी चेयरमैन एस एस पी साहब नहीं मिलिया तो जो ये खबर चल रही है मीडिया के विच ये बिल्कुल झूठी है ये बिल्कुल बेबुनियाद है तो असी मैं कल एस एस पी साहब ने जाके मुलाकात करनी है दूसरे चेयरमैन साहबानों नाल लेके जिहड़े दोषी ने जिहड़े मुलाजमान ने यह गलत जिहड़ी खबर फैलाई है मीडिया के विच उन्होंने खिलाफ असी जरूर बनती कार्रवाई करांगे क्योंकि यह अनुशासन की बहुत वड्डी उलंघना जिहड़ी पुलिस है वह तो है ही अनुशासन की सारी गलबात। सो जेकर उत्थे एड्डी वड्डी पद्धर ते उलंघना हो सकती है एस एस पी साहब का बिना वजह तो ना लैना बिना वजह तो चेयरमैनों का ना लैना बिना गलबात तो अगे जिहड़ा हैगा मुलाजमान नूं निर्देश देने बहुत मंदभागे है। सो असी इस गल नूं बर्दाश्त नहीं करांगे इस गल ते पूरी चर्चा करांगे विस्तार सहित चर्चा करांगे तो जिहड़े लोग इस दे लई जिम्मेवार है उन्हां दे खिलाफ सख्त जिहड़ी कार्रवाई है वह करवावांगे।
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਖ ਲੈ ਲਿਓ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।